अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे शाहिद खान अफरीदी के बारे में। शाहिद खान अफरीदी ने एक किताब लिखी है गेम चेंजर, जिसमें उन्होंने अपने बारे और अपने इर्द गिर्द जो उनके दोस्त थे उनके बारे में बहुत ही होशरुबा इनकशाफात किए हैं कि कैसे उनके ख़िलाफ़ साजिशें होती रहीं और कैसे वो सरवाइव करते रहे। ये सारी चीज़ें इस किताब में इन्होंने लिखी हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी के हवाले से उन्होंने एक ऐसा वाक़या भी लिखा है जो कि ऐसे वाक़यात के बारे में बहुत ही कम लोग अपनी ज़ुबान खोलते हैं, और ख़ास कर जब बंदा शादीशुदा भी हो। तो ये उन्होंने एक नाइट क्लब के हवाले से बात लिखी है। तो मज़ीद बात करने से पहले, अगर अभी तक दोस्तों आपने इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो दोस्तों इसमें शाहिद खान अफरीदी ने लिखा है कि एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मैं नाइट क्लब गया, वहाँ एक लड़की से मुलाकात हुई और उनसे घंटों बातें होती रहीं। तो दोस्तों ऐसी बात करने के लिए बहुत हौसला चाहिए होता है, वरना जब बंदा शादीशुदा भी हो बाल बच्चों वाला भी हो तो ऐसी बात तो वो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं करेगा। लेकिन शाहिद खान अफरीदी में ये हौसला है, तो उन्होंने ये बात की है कि मैं एक नाइट क्लब में गया, वहाँ एक लड़की से मुलाकात हुई, घंटों उससे बात होती रही। तो बाद में क्या हुआ कि वो लड़की दुल्हन बनकर मेरे घर पहुँच गई। ऑस्ट्रेलिया में ये जहाँ रह रहे थे, वो लड़की दुल्हन बन के वहाँ पहुँच गई और लिखते हैं कि मेरा हाथ पकड़ कर कहा मस्जिद चलो और निकाह करो। ये अच्छी बात थी, उन्होंने निकाह की ऑफ़र कर दी। लेकिन अब पता नहीं शाहिद खान अफरीदी ने क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो शाहिद खान अफरीदी लिखते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने उस लड़की से जान छुड़ाई। तो ये किताब अभी प्रिंटिंग प्रोसेस में है, जो ये जैसे ही मार्केट में आती है तो मैं भी पढ़ूंगा और आप भी पढ़िए। तो उन्होंने अपनी मतलब के वो क्या कहते हैं समाह उम्री लिखी है अपनी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे कैसे उन्होंने सरवाइव किया, कैसे कैसे इनके ख़िलाफ़ साजिशें होती रहीं। तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।